अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फ्रेंड्स, क्या आप सब स्टार्टिंग से पेंटिंग सीखना चाहते हैं? अगर सीखना चाहते हैं तो मैं अपने जो हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है sidra.26, तो मैं उस चैनल पे स्टार्टिंग से आपको पेंटिंग सिखाऊंगी। और मैंने एक वीडियो अपलोड भी कर चुकी हूँ, मैं फ़र्स्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, सेकेंड वीडियो की तैयारी कर रही हूँ। इंशाल्लाह जल्दी आपको सेकेंड वीडियो भी दिखाऊँगी और साथ ही मैं बेसिक मेहंदी भी सिखाऊंगी। दोनों एक ही चैनल पे, बेसिक पेंटिंग, बेसिक मेहंदी, मैं दोनों सिखाऊंगी। तो आप फ्रेंड्स चाहे जो भी सीखना चाहते हैं, मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हर वीडियो देख के आसानी से घर बैठे पेंटिंग और मेहंदी दोनों सीख पाएंगे। दूसरे चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इस पिल्लो की पेंटिंग मैंने आपको आधी करके पिछली वीडियो में दिखाई थी, अभी मैं इसको पूरा करने वाली हूँ। और दो रोज़ मेरे बचे थे, एक छोटा फ्लावर, दूसरा बड़ा फ्लावर, तो मैं आपको वो करके दिखा देती हूँ। इसमें ज़्यादा कलर मैंने नहीं लिया है, इसमें मैंने तीन कलर लिया हुआ है, लेमन येल्लो, रेड कलर, सॉरी लेमन येल्लो नहीं, गोल्डन येल्लो, रेड कलर एंड वाइट। वाइट का मैंने बहुत कम ही यूज़ किया है, उसे कहीं कहीं पर मैंने यूज़ किया है, लेकिन रेड और ये गोल्डन येलो मैंने पूरे फ्लावर में लगाया है। आप देख सकते हैं, वीडियो पूरा देखें और ध्यान से देखें। अगर आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करें। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, जो मैं बात बताती हूँ उसे क्लियर सुनते भी नहीं हैं और मुझे कमेंट्स में पूछते रहते हैं, क्योंकि जो बात मैं बताती हूँ वीडियो में वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको पेंटिंग्स कैसे आएगी? अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें, कहाँ कब कौन सा कलर लग रहा है वो भी ध्यान दें, इससे आपको अच्छे से पेंटिंग आएगी और आसानी से आप पेंटिंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पेंटिंग को लेकर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रही हूँ, आप उस पर भी अगर कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, अगर मुझे दिखाना चाहते हैं, मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं। तो वीडियो में मैं व्हाट्सअप नंबर और ये कलर नाम, कलर नेम और नंबर, कलर का नंबर सब मैं डाल दे रही हूँ, आप देख लीजिए। ब्रश, और ब्रश के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो ये ब्रश वही है जो मैंने कट करके दिखाया था दो तीन वीडियो पहले, तो ये वही ब्रश है, मैं उसी से ये कलर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, मैं इसी, अगर आप चाहें तो नॉर्मल ब्रश भी ले सकते हैं बिना कट किया हुआ, तो भी आपकी पेंटिंग अच्छी होगी, आप उससे भी अच्छी पेंटिंग कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है ब्रश कट करना, बस आपके हाथ में फिनिशिंग होनी चाहिए। जो हम कट करके ब्रश से पेंटिंग करते हैं उससे बेहतर पेंटिंग हमारी नॉर्मल ब्रश से होती है, जो हम शॉप से खरीद के लेके आते हैं, मार्केट से लेके आते हैं, उसी से हम अच्छे से अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ब्रश को कट किया जाए। तो फ्रेंड्स, जब हमारा ये तो हमारा ब्रश ख़राब हो गया था, फैल गया था, तो इसके लिए मैंने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद भी ये यूज़ में आ जाता है, तो इसके लिए मैंने इसको कट कर दिया है। ज़रूरी नहीं है कि अपने ब्रश को कट करो और उससे पेंटिंग करो, आप नॉर्मल ब्रश से भी कलर कर सकते हो। तो आप हमेशा, अगर पेंटिंग आपको नहीं आती है, पेंटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप दो नंबर ब्रश का यूज़ करें, एक नंबर ब्रश का यूज़ करें, थ्री नंबर ब्रश का यूज़ करें, 1, 2, 3 ये सब ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, और बारीक काम के लिए आप 0 नंबर का ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये सब ब्रश यूज़ करें और इससे ज़्यादा फ्लैट ब्रश ना लें, क्योंकि इससे ज़्यादा लेंगे आप तो आपकी पेंटिंग बनाने में आपको मुश्किलें होंगी, क्योंकि ब्रश घुमाने में आपको मुश्किल होगी। जब बहुत ज़्यादा बड़े फ्लावर रहते हैं तब हमें बड़े ब्रश की ज़रूरत होती है, वरना नहीं। तो फ्रेंड्स, आप दो नंबर या तीन नंबर ब्रश से पेंटिंग आराम से कर सकते हैं। तो आपको मैं पेंटिंग करती हूँ बताती हूँ भी हूँ कि मैं किस नंबर से पेंटिंग कर रही हूँ। तो मैं हमेशा दो नंबर या तीन नंबर, इतने नंबर का यूज़ करती हूँ। अगर मेरा ज़्यादा बड़ा फ्लावर रहता है तो ही मैं 4 नंबर ब्रश का यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरी पूरी वीडियो देखें, जिससे आपको ज़्यादा जानकारी होगी और आपको पेंटिंग अच्छे से समझ आएगी। तो जिस तरह हमने ये छोटा फ्लावर अपने फ्लावर की कली बनाई है, उस तरह से हम रोज़ भी पूरा रोज़ भी बनाएंगे। और इसी तरह से हमारा पूरा रोज़ बनेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रही हूँ, उस आप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर आऊँगी मैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।